धन्यवाद आप सब भाई और बहनों को प्रणाम। छत्तीसगढ़ के आदिवासी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज मंडला लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार प्रोग्रेसिव कुलस्ते के चुनाव प्रचार करना है। कांग्रेस के क्षेत्र में आए हुए हैं और भारी संख्या में आदिवासी नागरिक लोग आए हुए हैं और ये लोग क्या चाहते हैं, इनका कितना विकास हुआ है, कुलस्ते जी ने कितना विकास किया है और जो यहाँ 20 साल से विधायक हैं वो कितना काम किए हैं, सीधे इन सब बातों को जानेंगे, लोगों से बात करेंगे। बताइए। नमस्कार। नमस्कार। मेरा नाम जगत राम सरिया है, कोलकाता से हूँ मैं। जब से कांग्रेस पार्टी था वहाँ से तो कुछ काम नहीं मिल रहा था, अभी जहाँ से मोदी सरकार आया है तो वो जैसे पहले तो देखो आधार कार्ड बनवाया, उसके बाद आधार कार्ड बनवाने के बाद आयुष्मान कार्ड, श्रमिक कार्ड। आयुष्मान कार्ड बना है आपका? हाँ बना। क्या क्या फायदा हुआ उसे? उसमें फायदा में ये है अस्पताल जाना पड़ता है सूरत। आप गए हो? अभी तो नहीं गया हूँ मैं, छोटा बच्चा लेके गया था, मेरे छोटे गणेश नाम का, उसको ले गया था। कितना पैसा लगा इलाज में? इलाज में तो 10,000 तो अनुमानित लगा था। 10,000 आयुष्मान तो आयुष्मान में तो फ्री इलाज होने का? फ्री इलाज हुआ है लेकिन मैं वहाँ दस्तखत किया हुआ कागज में, उसमें कितना का खर्चा है कितना का वो खर्चा है मेरे को पता। आपकी जेब से कितना लगा? मेरे जेब से वो गाड़ी बुकिंग कर गया था। हाँ। उसमें 10,000 में ले गया था डिंडोरी में। मतलब 10,000? हाँ मैं बुकिंग करके लेकर से डिंडोरी तक 10,000 में नहीं, 3,200 में लगा, 3,200। हाँ। क्योंकि भाई इमरजेंसी में तो गाड़ी नहीं मिलता था, बाहर से बुलवाया गया। अच्छा। काका और क्या फायदा मिला आपको? फायदा तो यही है अभी जैसे लाड़नी बहना है, महिला को जैसे महिला को मिल रहा है, पहले तो मिल रहा था 1,000, अब कहा है कि अब जो मिल रहा है लाली बहना में, जब अब तो कर दिया है 1,500। हाँ। 1,500 रुपये मिलने लगा है। हाँ। 1,500 मिलने लगा है। अच्छा, मोदी जी नोट बंद कर दिए थे आपका? हाँ, नोटबंदी का तो कर दिया। मजा आया था? अरे उसमें तो बहुत परेशान हुआ था। हाँ। अरे हम तो 5-6 दिन परेशान हुआ था, महीना भर समझ रहे। हाँ, परेशान भोगना पड़ा। तो आप लोग पास बहुत माल रहा होगा ना? नहीं रहा हमारे पास, कहाँ रहा। कालाधन निकाले? नहीं नहीं, कालाधन तो निकाला लेकिन हमारे पास गरीब के पास क्या रहा। आप किसान लोग के पास कहाँ। हाँ। कोई मुश्किल से रहा 500-600 रुपया। उसी के पीछे हम जो है। हाँ। उसी के पीछे जो है हमको महीना भर घूमना पड़ा। अच्छा। 500 रुपया मैंने जमा करने के। तो बैंक में कितना पैसे जमा किए थे? नगद वाला 1,000 जमा। मत आपके पास 1,000 रुपया? कितने कितने का नोट था? 500 का। दो नोट। हाँ बस इतना ही था हमारा पास। हाँ। राशन मिलता है? हाँ, फ्री 5 किलो मिलता है हमें फ्री। हाँ, आपके गांव में स्कूल का बिल्डिंग टपकता है कि नहीं टपकता? स्कूल तो अभी ऐसे 2-3 थे, बिगड़ गया है। छत छूता है ना बरसात? हाँ, हाँ, छूता है, उसमें कोई रोक देख नहीं आ रहा है कोई। फग्गन सिंह आपके 30 साल से सांसद है यहाँ पर? हाँ, तो अभी तो अपने धुरकुटे में नहीं गया है। आज तक नहीं गया। ओमकार मरकाम 20 साल से विधायक गए का? अभी ओम प्रकाश मरकाम भी नहीं गया। नहीं गया वहाँ कांग्रेस वाला अभी भी नहीं गया। कैसे नेता है समझ में? पता नहीं, समझ में तो नहीं आ रहा है ना। हाँ, 1 किलोमीटर से पानी लाते हैं हम लोग गर्मी के टाइम में। अच्छा। बरसात में सब दिन लाते हैं हम लोग पानी, हमारे लिए बहुत तकलीफ है पानी। अभी तो यहाँ पे नेता लोग बोल रहे थे कि हम घर घर तक टोटी लगा दी है, पानी पहुँचा रहे हैं। कम नहीं, घर घर नल खुदा गया है, वो पानी कहाँ है? टंकी तो बना है। हाँ। पानी तो नहीं आ रहा है। ईमानदारी बताए क्या विकास हुआ स्कूल के फसल में आपका? अब एक प्रवास वास दे दी अभी और कहा है अब आवास मिल गई थी। तो नोट बंद हुआ था मोदी जी किए थे, मजा आया था। ये गांव की ये सूजी डबल स्वर है ना, कमजोर है जिनमें है कमजोर है जिनमें। अच्छा, सूजी डबल स्वाद दिया? हाँ वाला नरेंद्र मोदी डबल स्वर जबरी जबरदस्त है। गाँव गाँव कमजोर है, मजबूत हुए हो कमजोर हुए हो? कमजोर। मजा आया? कमजोर बहुत कम। मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? हाँ मजा आ रही, बचन भोजन का काम है। हाय दादा, कहाँ के हो? द्वारे के हैं। क्या बोल रहे हैं? सूजी डबल स्वादी है बोल रहे हैं, तुम्हारा भी डबल स्वाद है क्या? तो फायदा हुआ? बहुत फायदा नहीं, हाँ नहीं है, वजन नहीं सका है। अरे वजन कोई जन नहीं सका है, कमजोर है जन्म। हाँ तो आप नई बात बता रहे हो, ऐसा तो कोई नहीं बताता। अरे हम तो बता रहे हैं आपके साथ, बस ऐसा हुआ कि और लोगों के भी साथ हुआ? आप लोग के जो लगवाई नहीं देखा। हाँ, कमजोर हो गए। कमजोर। अच्छा, फिर मोदी जी के और जिताना है?
सब कोई वही का देंगे इंजेक्शन लगवाना है। हाँ हाँ लगवाने तो लगवाने दिखाना है। फिर तो मोदी जी से एक बार और बोले हैं मजबूती की लगाई दूंगे इंजेक्शन। अरे लगो के लगवा थे ना अलग हो गए। हाँ नहीं लगवा कितने बार लगवा उस समय। अरे डोज लगाई है ना हम तीन तीन डोज तो महिलाओं को भी लगाए पुरुषों को भी लगाए। हाँ कमजोरी पुरुषों को आया कि महिलाओं को भी आया है। महिलाओं ने लगाए ना पुरुषों ने कमजोरी ज्यादा किसको आया। हम लोग भी आएंगे सबको कमजोरी हो गया। आप जो कमजोरी आप कैसे मतलब वजन नहीं सका था। वजन बोझ नहीं सका है ना। शरीर कमजोर है। क्या कहना चाहते हो मोदी जी से। मोदी जी से क्या कहना चाहते हो। कहाँ कहना कहा हम लोग पानी लेने के लिए जाते हैं कुछ टाइम में स्कूल नहीं। अच्छा आपको पानी कितना दूर से लाना पड़ता है। एक किलोमीटर। हाँ अभी ये नए तो लोग आए थे तो क्या बोल रहे थे यहाँ पर। दो साल के अंदर पानी खुल जाते वैसे तो कब से बोल रहे हैं। टंकी तो कब का बना है। दो साल हो गए। कितना पढ़ते हैं आप। मैं इस साल पढ़ती हूँ। हाँ हाँ तो कितना दूर से पानी लाना पड़ता है आपको। एक किलोमीटर से पानी लाना। किस मोहल्ला के रहने वाले हैं आप। हम लोग यादव मोहल्ले के रहने वाले हैं। वहीं पास ही में टंकी बना है लेकिन पानी नहीं। पानी नहीं। एक आध बार आपके घर में पानी आया। एक ही बार नहीं आया। क्या है घर चक्कर आना है। घर में पानी आते हमारे घर में आप नहीं आवा दादा पानी। कहाँ से लाते हो। हम कुएं के घर था। कुएं के घर हमारे गांव में टिकर में डोंगर तक पानी की परेशानी नहीं चाहे नहीं मिले पानी नहीं मिले। आप कौन से गांव के हैं। आप कौन से गांव के हैं। भाजपा के नेता हैं आप। दिखाना चाहिए गमछा निकालो ना भाजपा के। कौन पहना है इसको। अरे सब कुछ लबाद रहा है टोपी पहना रहा है लबाद रहा है। हाँ लसार हो गए हो तो इलाज नहीं हो रहा है आपका। आयुष्मान कार्ड बना है आपका नहीं बना है। बनी तो इलाज करवाने नहीं गए। वैसे घर में बैठे थोड़ी होगा इलाज। अरे धनियारी गए रहा तो अस्पताल में कुमान पान पैसे ले रहे हैं या कर नहीं लेकिन। हाँ 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 जल्दा वहाँ से कौन लाया आपको। बुद्ध सिंह। बुद्ध सिंह लाया। कौन जीत रहा है इस बार। कौन जी थी कौन लजीता हो। मोदी लजीता मोदी लजीता कह के तू आए है ना। काहिन छाप फूल छाप तुम्हारे गांव में जलना में तो रहता था कि पंजा पंजा बोर्ड पड़ता है। बोर्ड के पड़ता है तब पढ़ देना जिन दिन तीन दिन जब हम वो खड़ा हम आए हम तो वही चलते बने। अच्छा तो आप मोदी के कौन से काम से खुश हैं। एक आध काम से खुशी होगा ना आपको। नहीं खुशी तो हमारा मोदी का भाई पूरा काम खुशी है। है एक काम तो, बताओ ना। नहीं तो कोई काम गलत नहीं है तो हम कैसे। तुम्हारे गांव में गैया दे रहे हैं क्या हाल हो इस समूह वाले का। भाई उन समूह वाले उन जाने हम हमने जाने का हाल। गैया जिया से बचे हैं भाई। नहीं कुछ बचे हैं कुछ मर गए है? कुछ बचे हैं कुछ मर गए। अच्छा काम है तो ये। अब अच्छा काम है पर हमारे जगह हम नहीं सक्सेस हो। कौन है बुद्ध सिंह। नहीं हाँ अंदर गए। पानी नहीं मिलता पीने का। अब पानी हमें लंबाई पड़ रही है। तो कौन से काम से खुशी है भाई आपको सरकार के। यार तो सब खुशी चाहे अब हमने जो भी काम दे रहे हैं तो सब खुशी। एक काम तो बतावा। अब हो गए घर मिली से तुम्हें आवास। आवास मिल गए वही की खुशी है। तो वही का खुशी है ऐसे बताओ ना यहाँ। चलो ठीक है। हाँ क्या नाम है। प्रताप सिंह मुरारी। क्या क्या फायदा हुआ आपको। सब फायदा हो गया खासकारी का पैसा मिल रहा है। और हमारे भाजपा के नेता हैं आप। जी है जी। अभी चुनाव से पहले बोले थे कि धान का 3200 कर देंगे हो गया। नहीं ठीक है मजा आ रहा है। नहीं आ रहा है मजा। घुमा है बोला है क्यों मिला तो नहीं कई साढ़े कई 80 मिला है। किसकी सरकार बना रहे हो आप इस बार। और क्या क्या फायदा मिला सरकार की योजना का आपको। बहुत से सारे मिले किसी बताऊँ। सर मेरा नाम है दीपक वर्मे। हाँ मैं डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट और समनापुर विकासखंड से हूँ। हाँ और मैं चाहता हूँ और निवेदन करना चाहता हूँ मोदी जी से जो भारत का हमारा प्रधानमंत्री है कि डिंडोरी जिला में
रेलवे लाइन जल्द से जल्द लाने की कृपा करें ताकि डिंडोरी जिला का विकास हो सके। आप भाजपा के समर्थक हैं? जी, मैं भाजपा का समर्थक हूं और मैं भाजपा से अपेक्षा करता हूं और नरेंद्र मोदी से निवेदन करता हूं। मोदी जी से निवेदन करिए, विधायक लौटिए जी। आप ये बताइए, फगन सिंह कुलस्ते 6 बार के सांसद हैं, कुछ भी विकास नहीं कर रहे हैं डिंडोरी जिला में सर? डिंडोरी जिला में कुछ भी विकास नहीं हुआ है। बता रहे थे रोड बना दिए हैं, वो रोड तो सर मोदी जी बनवा रहे हैं, उनके दिशा निर्देशन में नेतृत्व में काम हो रहा है। इनके मन से कोई अभी तक कोई विकास नहीं हुआ है, ना कोई प्रस्ताव भेजे हैं कि डिंडोरी जिले में ये होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद भी बीजेपी को सपोर्ट करते हो? फिर भी मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, उनकी विकास को देखते हुए। अच्छा, मोदी जी ने क्या विकास किया डिंडोरी का? मोदी जी हर घर में पानी पहुंचाने का अभियान चला रहा है। पूछते हैं कितने का लोगों घर में पानी पहुंचा? चलो, और पक्का मकान दे रहा है गरीब लोगों को मोदी जी। आपके घर पानी पहुंच गया था? नहीं बेटा, नहीं पहुंचा। आपके घर पहुंच गया पानी? हमारा रास्ता का नहीं था। आपके घर पानी आया? आप सुन रहे पानी आपको मिल रहा है? पानी कौन से गाँव के आए हैं आप? पौड़ी से? पौड़ी में घर घर पानी है? पौड़ी में भला ही घर घर पानी है आपके? आपके घर पानी आता है? नहीं, वो तो टोला में सबके हैंडपंप है, अलग वगैरह वगैरह है, घर में नहीं आता है। आपके घर आता है? बताइए भाई, देखिए आप बोल रहे हो घर घर पानी पहुँचा रहे हैं। अभियान शुरू किया है सर, वो तो पहुँचेगा एक दिन, पानी पहुंचेगा एक दिन, तो सब कुछ हो जाएगा जी। एक दिन सब हो जाएगा, एक दिन तो सबको जाना भी है, एक दिन आना है, एक दिन जाना है। 5 किलो चावल दे थे, एक जन था मैं तो जी जाबो। कितना सो क्या क्या बोल रहा है? 5 किलो चावल दे थे हम ना बारो बजी जाबो खाते हो थे फिर एक आदमी नहीं, इतना भी सहयोग कर रहा है तो बहुत काफी है। गरीब लोग खास से यहां ना करे, गरीब का मकान भी दे रहा है, पक्का मकान दे थे। क्या आवास मिला? हां मोला मिली से अखर 5 किलो चावल मुझे नहीं तो आपको पेंशन मिलता है? और लाडली बहन वाला पैसा नहीं मिलता आपको? क्या चाहते हो आप? लाडली बहन तो पेंशन मिलता है तो कुछ नहीं, तो 1000 रुपया तो करना चाहिए। लाडली बहन के बराबर मिलना चाहिए। कहाँ के हैं आप? धोबा का लाड़ी। आज सुनने आए थे आप, मंत्री आए थे आप? हाँ, क्या क्या बोले मंत्री? क्या बोले सब देश में तो बता रहे हो, ऐसे वहाँ सुन लाइन काम यहाँ कर करके। कितना खेत है आपका? खेत वाली है तो आपको सम्मान निधि नहीं मिलता? किसान सम्मान निधि 2000 जो मोदी डाल अभी कौन खड़ा है आपके यहाँ, कौन चुनाव लड़ रहा है मालूम है? नहीं, कौन कौन जीती है इस बार? आप जी क्या बोल रहे थे, आपका आवास नहीं मिला? कौन से गांव के हैं आप? फारा मारा भरे होंगे ना अभी, बामा भरवा थे चुनाव में फारा? हाँ, आदमी मर गए। तो आपको पेंशन भी नहीं मिलता? मेरा 60 साल। लाडली बहन वाला नहीं मिल रहा है? मोहन तो 70-80 साल हो गए, अब तो कुछ खतरा नहीं हुआ, ऐसे लिख दे नंबर आधार कार्ड उम्र ज्यादा लिख दे। मोर नान बड़े बहन के तब 50 साल, हाँ ऐसे लिखे। तो आपके विधायक ओमकार सिंह मरकाम है जानते हैं आप, और फग्गन सिंह कुलस्ते चुनाव मैदान में है, तो कौन भारी पड़ेगा इस तरफ? कौन भारी पड़ेगा? 40-35 साल से सांसद हैं कुलस्ते जी, अपने छवि से कुलस्ते जी ने जीत रहे, मोदी जी के बलबूते जीत रहे हैं कुलस्ते जी, और जीतेंगे कुलस्ते। फिर आप बोल रहे हो क्या कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ? नहीं। और 5 साल फिर क्या होगा फिर जी? क्या करें हम, मोदी जी के कारण कुलस्ते जी को वोट देना पड़ रहा है। तो आपको क्षेत्र के विकास कोई मतलब नहीं सर? मोदी जी के आप अंधभक्त हैं? मोदी जी के अंधभक्त तो हैं हम लोग, भक्त हैं, लेकिन हम अपने क्षेत्र का विकास चाह रहे हैं भाई। रेलवे लाइन आ जाएगा, रेलवे लाइन से क्या है कि बहुत सारे फैक्ट्रियां और कंपनियां खुलेंगे और हमारे जिला का रोजगार बढ़ेगा, बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलेगा उसमें और सुविधाएं बढ़ेंगी। क्या आगमन का साधन क्या चाहते हैं फगन सिंह कुलस्ते साहब? क्या मैं ये निवेदन करना चाह रहा हूँ कि रेलवे लाइन डिंडोरी जिला में आना